हेलो एंड वेलकम एवरीवन। होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। काफ़ी समय से आप लोगों से नहीं मिला हूँ, लेकिन आज बस धूप में ऐसा बैठा हुआ था, कुछ सुन रहा था, तो सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दो। तो गाइस अभी क्या है, जैसे आपका जो AFO एग्जामिनेशन है, बहुत ही कम दिन बचे हुए और बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा है आप लोगों के लिए। ऑलमोस्ट अभी 11 दिन, यदि 24 को पेपर होता है, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, 24 को पेपर होता है तो 11 डेज आपके पास लेफ्ट है, और 31 को होता है तो तकरीबन 16 या 17 दिन आपके पास लेफ्ट है। तो गाइस इसमें सबसे ज़्यादा ये जो समय रहता है ना हमारा, बहुत ही क्रूशियल समय रहता है, क्योंकि इस दौर से जब मैं गुजर रहा था, जब प्रिपरेशन में कर रहा था ड्यूरिंग, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सारा मैंने लिमिट कर चुका हूँ, ओनली बच्चों पे मैं फोकस करता हूँ और प्रॉपरली जो रहता है टीचिंग पे मेरा फोकस है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये जो समय रहेगा, कोई अलग से चीज़ें गेन करने का समय नहीं है कि आप अलग कोई, जो जैसे कोई अर्थमेटिक वगैरह में से कि हम बात करेंगे तो कोई अर्थमेटिक वगैरह पढ़ रहा है तो डजेंट नॉट मैटर, यहाँ पे कोई आपके लिए वो क्या रहेगा, एक प्रकार से वर्थलेस रहेगा। तो उन चीज़ों पे फोकस कीजिए कि जिनमें क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन कर सकते हो, और गेन तो कर ही लोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली गेन वहाँ पे कर लोगे। बट समय इंपॉर्टेंट ये रहता है गाइस कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपका एक्यूरेसी वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। यदि एक्यूरेसी मेंटेन है तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे नंबर गेन करोगे। और सपोज करो कि आप कोई से टॉपिक लगा रहे हो, सपोज करो मैं रीजनिंग के टॉपिक की बात कर रहा हूँ, सिलेबस लगा रहे हैं, यदि आपका एक सिलेबस से भी गलत हो जाए तो पता आप कितने पे आएंगे, 3.75 पे अटकेंगे ना भाई। एक नंबर तो आपने गलत, एक क्वेश्चन गलत किया तो 4 नंबर आए आपके, और एक जो गलत किया उसके माइनस कटेंगे वहाँ पे, तो 3.75 मतलब आप हजारों बच्चों से वहाँ पे पीछे हो जाएंगे। तो जो भी कर रहे हो ना, तो उसको प्रॉपरली कीजिए, प्रॉपरली एक विथ एक्यूरेसी के साथ बना के रखिए, तो डेफिनेटली गाइस आप इजिली तरीके से अच्छे से नंबर वहाँ पे गेन कर सकते हो। और सबसे पहली बात, कट ऑफ कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा भी जाए, कम भी जा सकती है। अब कम कितना, ऑलमोस्ट 35 से 40 के बीच, या तो हो सकता है कि 40 से 45 के बीच रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी वहाँ पे, है ना। तो विथ एक्यूरेसी के साथ बना के रखिए, बाकी जो भी आपके माइंड में कुछ थॉट वगैरह आते हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा डजंट नॉट मैटर, क्योंकि सक्सेस कोई नहीं बता सकता है, सिलेक्शन कोई नहीं बता सकता है कि होगा कि नहीं होगा। ओनली क्या रहता है, हमारी प्रैक्टिस भी डिपेंड नहीं रहती है, प्रैक्टिस डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड क्या करता है, हम लोगों का परफेक्ट प्रैक्टिस डिपेंड करती है। प्रैक्टिस और परफेक्ट प्रैक्टिस दोनों में बहुत डिफरेंट होगा। तो परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस जो होता है बहुत रेयर केस करते हैं, तो परफेक्ट प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली गाइस यू कैन डू इट, वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 11 दिन बचे हैं, या तो 16-17 दिन, एडमिट कार्ड अब एक दो दिन में आने वाले हैं, तो प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।